आज का सन 1992 से आज तक राम मंदिर नहीं बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बन गई। तो अभी भी राम जी हमारे अभी टेंट में हैं, तो राम पे राम मंदिर तो बनेगा नहीं बनेगा ये तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, उसमें हम लोग ज़्यादा न छेड़ते हुए, क्योंकि मूर्ति और धर्म के नाम पर ही कुछ मुद्दे बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं इन सबको बायकॉट करते हुए जो हमारी जो मूल अधिकार है जनता की, मान सम्मान स्वाभिमान की, रोटी कपड़ा मकान की, शिक्षा चिकित्सा और राजनीति में हिस्सेदारी की जो बात कही थी भारतीय जनता पार्टी ने, आम नागरिकों की सबका साथ सबका विकास की जो बात कही थी, इन सारे मुद्दों को ठुकराते हुए हमको मंदिर और मस्जिद में मूर्तियों में लड़ाने का काम कर रही है। विकास की बात करती है, लेकिन जन भावना पर ख्याल रखा है, ऐसा लगता है मूर्ति स्थापित करा के भले मंदिर नहीं बनवाता। नहीं नहीं, ये तो मान के चलिए आस्था के प्रति हमारे खिलवाड़ है, मूर्ति घोषणा करने से नहीं मतलब है। घोषणा तो 4.5 साल तक केंद्र की सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री भी करते आए, और ये तकरीबन 1.5 साल से हमारे मुख्यमंत्री भी कई योजनाओं की घोषणा किए, लेकिन जो आम जनमानस के हित की बात है अगर उस पर क्रियान्वयन करने की बात कही जाती तो हमें लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर रहता। जब जब चुनाव आता है हिंदुस्तान पाकिस्तान की बढ़ते हैं, हाँ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हाँ ये तो इनका पुराना मुद्दा है, इस पर तो कोई दोराय नहीं है। अब ये देखिए दाव तो जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि आम जनमानस को उन्हीं की बातों में उलझाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम, तो ये आज भी एक जुमला टाइप का लगता है। अगर उनको वास्तव में गरीब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के हितों की बात करनी होती तो आज 4.5 साल बीत गया, इनके अधिकारों को दे दिए होते, लेकिन 4.5 साल बस जुमलेबाजी किया, झूठ पे झूठ बोला, और आज यूएनओ में भी जाकर झूठ बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री यूएनओ के कॉन्फ्रेंस में झूठ बोले कि 125 करोड़ लोगों के हाथों में हमने उनके मकान की चाबी सौंप दी, इतना बड़ा झूठ तो कभी किसी ने नहीं बोला था। ये झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं उसका।